केसीआर के घर के आसपास गटर की व्यवस्था है, तो अगर वो अपने घर में पानी की व्यवस्था कर सकते हैं तो आपके घर में पानी की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए, इस सवाल का अगर जवाब चाहिए तो 30 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाइए, कमल का बटन दबाइए, रामचंद्र जी को जिताइए और अपने एक एक घर तक शुद्ध पीने का पानी पाइए। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य में आई हूं। आज आपके मध्य में रामचंद्र जी ने इस बात का उल्लेख किया कि 5 किलो चावल। अब यहां जितनी बहनें बैठी हैं, कोरोना जब आया था तब नरेंद्र मोदी ने यह निर्णय किया था कि हर गरीब तक मुफ्त का राशन पहुंचेगा। 2.5 साल से मुफ्त का राशन पहुंच रहा है। गरीब को राशन मिल रहा है? मुफ्त का मिल रहा है ना? पक्का? कौन कौन कहता है गरीब को राशन मिल रहा है मुफ्त का? सब कह रहे हैं, हाथ उठाइए जिस जिसको लगता है गरीब को मुफ्त का राशन मिल रहा है। अब वही हाथ दिल पर रखकर बोलिए, अगर केंद्र में कांग्रेस होती, कांग्रेस के साथ ओएसी होते, ओएसी के साथ गाड़ी में बैठे केसीआर होते, तो 2.5 साल तक क्या मुफ्त का राशन मिलता? नहीं मिलता ना। अब मोदी ने कहा है 5 साल और मुफ्त का राशन मिलेगा। तो जब मोदी ने कहा 5 साल और मुफ्त का राशन मिलेगा, तब कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? मोदी के ऊपर केस करना है। अब मेरी बहनें मुझे बताइए, अगर हम गरीब को मुफ्त का राशन देना चाहते हैं तो क्या इसमें कोई गलती है मोदी की? नहीं है ना, गरीब को देना चाहिए ना। तो कांग्रेस पार्टी हो या गाड़ी में बैठा केसीआर या स्टेट से धमकी देने वाला पुलिस को ओएसी, ये नहीं चाहते कि गरीब तक राशन पहुंचे, ये चाहते हैं कि गरीब और पुलिस प्रशासन सब इनके सामने गिड़गिड़ाए। अगर आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, 5 साल और मुफ्त का राशन पाना चाहते हैं, तो 30 तारीख को पोलिंग बूथ पर आए, कमल का बटन दबाएं और रामचंद्र जी को जिताएं। आज ये निवेदन लेकर आपके बीच आई हूं। अब यहां पर जितनी बहनें बैठी हैं, कितने लोगों ने कोरोना का इंजेक्शन लगाया है? वैक्सीन सबने लगाया? मुफ्त में वैक्सीन मिला है? मुफ्त में मिला ना। अब ये बताओ कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, साथ में ओएसी होते, गाड़ी में बैठे केसीआर होते, तो क्या मुफ्त का वैक्सीन मिलता? नहीं मिलता ना, नहीं मिलता। इसलिए जिनको मुफ्त की वैक्सीन मिली है उनसे कहने आई हूं, 30 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, रामचंद्र जी को जिताओ, केसीआर, एमआईएम और कांग्रेस को इंजेक्शन लगाओ। आज ये निवेदन लेकर आपके बीच आई हूं। अब यहां देख रही हूं बहुत सारी माताएं अपनी बेटियों को लेकर आई हैं। एक बात बताइए, पिछले चुनाव में केसीआर ने वादा किया था केजी टू पीजी मुफ्त शिक्षा देंगे, दिया था कि नहीं वादा? मिला क्या गरीब को केजी से पीजी की मुफ्त शिक्षा? नहीं मिला ना। किसी को मिला क्या केजी से पीजी मुफ्त में? नहीं मिला। अब 30 तारीख को पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ, रामचंद्र जी को जिताओ और जितनी लड़कियां 12वीं पास करेंगी वो बीजेपी से मुफ्त का लैपटॉप पाओ। आज ये निवेदन लेकर आपके बीच आएंगे। अब कई देख रहे हैं छोटी छोटे बच्चों को लेकर आए हैं। अड्डा बिड्डा भरोसा के बारे में बोला ना अभी रामचंद्र जी ने, तो फिर उसमें क्या हम लोग कह रहे हैं? अगर आप केसीआर साहब के परिवार में देखो, उसमें एक ही लक्ष्मी है जो जनता के अरमानों को लूट के, जनता के पैसे को लूट के अपने घर की बेटी के पास पैसा छोड़े, ऐसा है केसीआर जी का परिवार। सही बोल रहे हो कि नहीं? लेकिन 30 तारीख को पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ, रामचंद्र जी को जिताओ,
बेटी के जन्म पर बीजेपी से ऐसा एक खाता पाओ कि बेटी जब 21 साल की हो तो उसे हम 2,00,000 रुपए दें। ऐसी व्यवस्था अगर चाहिए तो 30 तारीख को पोलिंग बूथ पर आइए और कमल का बटन दबाइए। आज जाने से पहले रामचंद्र जी, बहनों की ओर से आपके लिए मैंने बहुत कुछ मांगा, इनसे कहा आपको वोट करो, अभी इनके लिए कुछ मांगती हूँ, चलेगा? मांगू आपके लिए कुछ? पक्का मांगू?